फरुखाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए मॉडर्न स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में कुछ प्राथमिक विद्यालय ऐसे भी हैं जो जर्जर बिल्डिंग और टिन शेड के नीचे चल रहे हैं। इन स्कूलों में न तो कोई शौचालय है और न ही पीने के पानी का इंतजाम है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में हो चुकी है। वहीं बरसात के दिनों में अभिभावक हादसे के डर से स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते। रेलवे स्टेशन रोड पर किराए के मकान में स्थित इस स्कूल में करीब 46 बच्चे हैं। यहां पर टिनशेड के नीचे बरामदे में कक्षा चलती है, बारिश में टिनशेड भी टपकने लगता है। अध्यापक का कहना है कि ये स्कूल करीब 50 साल से इसी हालत में चल रहा है। हालांकि सरकार कोशिश तो कर रही है, अब देखते हैं कि कायाकल्प योजना के तहत कितना फायदा मिलता है। बेटा कौन से स्कूल में हो, कौन से क्लास में हो? हम कोना में है और 5 क्लास में। आप यहाँ पर पढ़ने आते हो, इस स्कूल की हालत कैसी है? बहुत खराब है, यहाँ पर पानी टपकता है, बाथरूम की बहुत वो टेंशन होती है, घर पे जाना पड़ता है और पानी आने जब पड़ता रहता है तो मैम छुट्टी कर देती है। धूप की गर्मियों में बहुत परेशानी होती है, पंखा का है नहीं यहाँ पर। जब आप लोग बाथरूम के लिए मैडम से बोलते हो तो मैडम क्या बोलती है आपसे? मैम जाने को बोलती है क्योंकि यहाँ पर बहुत परेशानी है बाथरूम की। उस समय जब आप बाथरूम ले चले जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा समय लगता होगा, तो आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होती होगी? होती है, बहुत होती है। स्कूल है तलैया फजल गांव में, वहाँ पर बच्चे आज जो टीन सेट के नीचे पढ़ रहे हैं बारिश के समय में, बहुत ही दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। उसको संज्ञान में आया तो नियमानुसार देख कर उसको कार्रवाई कराते कैसे जो है। और सर गर्मियों में जैसे टीन तपती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी आप जांच कराने के बाद? उसकी क्या नियम है, क्या करना है, कैसे उसको करना है भवन निर्माण के लिए, उसको हम कार्रवाई कराते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक प्राथमिक मतलब जो है कन्या प्राथमिक विद्यालय है, उसके अलावा वहाँ पर जो शौचालय वगैरह की भी सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कई चीजों से वंचित है, तो वहाँ पे लड़कियां पढ़ती हैं तो उनको काफी असुविधा का सामना करना। हम उसको दिखवा रहे हैं सारी। वहीं नई बस्ते स्थित एक धर्मशाला के बरामदे में 1963 से दो स्कूल एक साथ चल रहे हैं। जर्जर भवन में 118 बच्चे पढ़ने के लिए मजदूर हैं। अध्यापिका के अनुसार गर्मी के मौसम में बरामदे में धूप आ जाती है और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, ऐसे में कोई हादसा न हो इस कारण इन बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। इसी तरह नवीन घोड़ा नखास के मोहल्ला गरीबा परिश्रम में प्राथमिक स्कूल का संचालन एक मंदिर में हो रहा है। छात्र बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि स्कूल को किराए पर भवन दिया गया है, लेकिन सन स्कूल का किराया कई सालों से नहीं मिला है। सर क्या नाम है आपका? असलम मिर्जा। ये कौन सा स्कूल है, कौन से मोहल्ले में? प्राथमिक विद्यालय नवीन घोड़ा नखास नगर क्षेत्र गरीबा पश्चिम मोहल्ले। इस स्कूल की हालत क्या है? स्कूल की हालत जो भी है वो आपके सामने है, किराए की बिल्डिंग में ये इसलिए 71 से विद्यालय संचालित होता है। अच्छा, इसमें जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए क्या सुविधाएं? बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो भी स्कूल है वो सभी सुविधाएं। तो ये जो टीन के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, बरसात होती है तो होगी तो टपकता भी होगा पानी? नहीं, टीन नहीं टपकता, टीन सही है। ये जो आपके प्रांगण में स्कूल चल रहा है जी, ये कब से चल रहा है? जी सन 71 से। इसका ये आपकी जमीन पे बना हुआ है? जी हाँ, मंदिर की है। मंदिर। तो इसमें कितना किराया आपको मिलता है और क्या अभी तक आपके किराया नहीं मिला है? अभी इसके 30 रुपया किराया आता रहा, अब 5 साल से बिल्कुल नहीं है। और इसकी कई बार मांग की है तो आज तक अभी इसमें ना तो किराया मिला है और ना ही उसकी कोई वो कार्रवाई हो रही है। अच्छा, जो बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं वो मंदिर की तरफ से हैं कि सरकारी? ये सरकारी भी, ये मंदिर की तरफ से। और शौचालय वगैरह क्या व्यवस्था? ये शौचालय वगैरह जो है ये सारी चीज मंदिर की है, जैसे शौचालय बना हुआ मंदिर का, हैंडपम्प लगा हुआ मंदिर की तरफ से, समर लगी हुई, जनरेटर है मंदिर का, इन्वर्टर है मंदिर का, सारी सुविधाएं हैं मंदिर। फरुखाबाद में जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं उनको तो हम 100% सही करवा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का भी जीओ 30 अक्टूबर का आ चुका था, उसी के तहत यदि कहीं जरूरत है तो हम अतिरिक्त कक्षा कक्ष और पूरी मरम्मत करवा रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो शहरी क्षेत्रों में स्थिति है, तो मैंने SPD सर से जानकारी की थी तो उन्होंने कहा था कि जो नगर निकाय विभाग है उनके यहाँ से भी एक जीओ जारी होगा ताकि नगर निकाय में जो पैसा आता है उससे जर्जर भवनों की स्थिति को सुधारा जा सके।
एक तरफ जो है कि आप फाइव स्टार जो है स्कूल बना रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में करीब दो दर्जन करीब ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही जर्जर स्कूलों की वजह से। टीन सेट में चल रहे हैं वहां पे बड़ी लड़कियां सर शौचालय तक नहीं होने जी, वो शहरी जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में कुछ जगहों के ऊपर जगह के अभाव के कारण नहीं है। तो मैं अभी पूरी डिटेल बीएसए साहब बैठे हैं तो बीएसए साहब से पूरी डिटेल लेकर के और शासन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि जगह भी मिल जाए और उनके भवन निर्माण का धन भी आ जाए ताकि उनको छत मिल सके। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन इन स्कूलों की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मॉडर्न स्कूल बनाने के सारे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।